मैं हूं आपके साथ दीपक गोदोरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो कि बिलासपुर से है। आपको बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड मामले की सुनवाई न्यायिक जांच आयोग में हुई है। पीसीसी ने पेश किया शपथ पत्र, सरकारी वकील ने पेश किए दो गवाह। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से, झीरम घाटी हत्याकांड मामले की सुनवाई न्यायिक जांच आयोग में ये सुनवाई हुई है। पीसीसी ने पेश किया है शपथ पत्र, सरकारी वकील ने पेश किए ये दो गवाह। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से, अधिवक्ता की ओर से दो गवाह विवेक वाजपेयी और नंद कुमार पटेल, जो ड्राइवर दीपक वर्मा का किया गया है प्रतिपरीक्षण। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 10 और 11 अक्टूबर को होगी। अधिक जानकारी के साथ शैलेंद्र पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या था पूरा मामला? आज दो गवाह पेश किए गए, पीसीसी ने यहाँ शपथ पेश किया, क्या कुछ इस कार्रवाई में हुआ? आज की जो पेश किए गए दो गवाह के बाद क्या दलील दी गई सुनवाई में? मामले की सुनवाई जो है नए सिरे से सरकार ने शुरू की है। 8 बिंदु जिस तरीके से सरकार ने दूसरा कार्यकाल जब आयोग का शुरू हुआ है, नहीं जाएगा उसके बाद से ये पीसी सुनवाई है। उसमें पीसीसी की ओर से शपथ पत्र जारी किया गया है, पेश किया गया है आयोग के समक्ष, और उसमें जो 8 बिंदु है उसमें जानकारी दी गई। आज जो सरकारी वकील जो है सरकार की ओर से उन्होंने जो प्रतिपरीक्षण किया है डॉक्टर विवेक वाजपेयी और एक दीपक वर्मा जी, नंद कुमार पटेल के जो ड्राइवर है, इसमें पूरा मामला ये बताया कि क्योंकि जो सिक्योरिटी सुरक्षा का मामला था उसमें चाहे बैंक का मामला सुरक्षा की गंभीरता को नहीं दिया गया। जबकि इससे पहले नंद कुमार पटेल, नंद कुमार पटेल और बहन शर्मा ने जो सुरक्षा को लेकर के सरकार के पास आवेदन दिया था, कई बार बात भी की थी, बावजूद उसके जो है वो सुरक्षा उनको उपलब्ध नहीं कराए। ये तमाम बातें हैं। अभी जैसा कि अब आयोग में 8 बिंदु के बाद दोबारा जब सुनवाई होगी, जिसमें जो 11 तारीख को 10 तारीख को जो सुनवाई होगी, जिसमें जो DIG सरकार के ओर से नोडल अफसर है जो की सुंदर राय, वो सरकार का पक्ष रखेंगे और उसका प्रतिपरीक्षण उसमें होगा। और एक सैनेट प्रीतिम त्रिवेदी है जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो है, और एक विधायक देवेंद्र यादव है जो भिलाई के हैं, और एक शिवनारायण त्रिवेदी है जो निजी तौर पर उन्होंने एक समर्थन किया है गवाह के रूप में, और जो घटना है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए एक आवेदन किया है। तो उसको लेकर के तमाम चीजें 11 तारीख को खुलासा होगा, क्योंकि नोडल अफसर भी मौजूद है और इसमें के 8 बिंदु जो शामिल हुए नए सिरे से सरकार की ओर से, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसमें जो बाकी जो अब तक के जो कांग्रेस की कहते आ रहे थे कि पॉलिटिकली जो उसमें हैंड है वो अभी तक के स्कूल का सामने नहीं आ रहा, जो पहले जांच में उसमें चीजें नहीं सामने आएंगी, तो वो इसमें सामने आएंगी। जो 10 और 11 को जो भी 3-4 लोगों की गवाही होनी है, उसमें बहुत सारे जो है मामले शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे मामले को एक राजनीतिक साजिश, राजनीतिक हत्याकांड के रूप में देखा जा रहा है। चीज 10 और 11 को इस तीनों चारों लोगों की जो सुनवाई है, सलाह है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है आयोग के समक्ष सामने आएंगी। चले, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र।